क्या पाकिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक हो सकती है? क्या पाकिस्तान के नापाक इरादों पर भारतीय सेना का चाबुक फिर से चल सकता है? क्या पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना एक बार फिर से घुटनों पर खड़ा कर देगी? 26 फरवरी 2019 का वो दिन शायद पाकिस्तान को रह रह कर याद आता होगा। वो तारीख उसके भरे हुए जख्मों को कचोटती होगी, क्योंकि इसी दिन भारत के 12 मिराज लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में वो बम वर्षा की थी जिस वर्षा में पाकिस्तान के कई आतंकी लॉन्च पैड्स तबाह हो गए थे। और इसी कड़ी में क्या एक बार फिर से पीएम मोदी एक्शन ले सकते हैं? दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या है वो खुलासा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति से दुनिया वाकिफ है। बुरी तरह ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था कभी रिवाइव कर भी पाएगी या नहीं, ये तो समय के गर्भ में छुपा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान परमाणु संपन्न देशों के लिहाज से दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से काफी बेहतर स्थिति में है। वो क्यों है? क्योंकि एक बार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने साल 1965 में कहा था, अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम भले ही घास पत्ते खा लेंगे, भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन अपना परमाणु बम जरूर बनाएंगे। यही कारण है कि आज पाकिस्तान के पास भले ही खाने को सिर्फ घास पत्ते रह गए हैं, लेकिन वो परमाणु संपन्न देश है। लेकिन उस परमाणु संपन्न देश में कितने परमाणु बम हैं और कहां पर रखे हो सकते हैं, उसके बारे में सैटेलाइट इमेजेस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। 2023 पाकिस्तान न्यूक्लियर हैंडबुक शीर्षक से प्रकाशित हुई एक विशेष रिपोर्ट का कहना है कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियारों का भंडार हो सकता है। पाकिस्तान ने अपने परमाणु भंडार के रखरखाव को लेकर सीमित जानकारी दी है, लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट में परमाणु सूचना प्रोजेक्ट के रिसर्चर एलियाना जोन्स और मैट कोर्डा ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। सैटेलाइट तस्वीरों ने जानकारी दी है कि इस्लामाबाद के पश्चिम में काला चित्तदाहर पर्वत में पाकिस्तान अपने परमाणु मिसाइलों और उनके मोबाइल लॉन्चरों का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान उस पर्वत के पश्चिमी हिस्से में जहां वो मिसाइल बनाता है और उनका परीक्षण करता है, और पूर्वी हिस्से में जहां परमाणु मिसाइलों को रखता है उनका भी विस्तार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर यानी कि TELs जो मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और फायर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पूर्वी खंड में तैनात किया है ताकि उन मिसाइलों को लाने ले जाने में उन्हें सहूलियत हो। सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें सामने आई है उसमें दिखाई दे रहा है कि विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के लिए रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर भी उसमें दिखाई दे रहा है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने अपने रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर को प्रदर्शित किया था। पाकिस्तान ने दिखाया था कि इसके जरिए नस्र शाहीन आईए बैलिस्टिक मिसाइलों और बाबर क्रूज मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। अब कई रिपोर्ट्स का ये दावा है कि पाकिस्तान में हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में फतेह का खासा विस्तार हुआ है और अब भी पाकिस्तान इसके विस्तार में लगा हुआ है। इस इलाके में रॉकेट लॉन्चरों को एक साथ रखने के लिए नई नई इमारतें बनाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लॉन्चरों को रखने के लिए तक्षशिला और तरवाना में प्लांट्स बनाए जा सकते हैं और बनाए गए भी होंगे। अब एक अहम सवाल पर आते हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को कहां रखता है। सैटेलाइट पिक्चर्स और कई रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान में मिराज सीरीज के बम वर्षक दो स्थानों पर रखे गए हैं। वो स्थान है मसरूर एयरबेस और रफीकी एयरबेस। ये दोनों एयरबेस कराची से थोड़ा बाहर वाले एरिया में हैं। जानकारी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार संभवतः बेस से 5 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण में रखे गए हैं। इन स्थानों पर पाकिस्तान ने कई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी हैं। संभव है कि ये सारी चीजें परमाणु हमले के लिए मिशन के रूप में डिजाइन की गई होंगी। जानकारी है कि इसमें हथियार हैंडलिंग क्षमता वाला एक संभावित अलर्ट हैंगर शामिल हो सकता है। इसके अलावा दूसरा मिराज शोरकोट के पास रफीकी एयरबेस है, जो 34वां विंग कहा जाता है। इस विंग में 2 मिराज स्क्वाड्रनों की तैनाती की गई है। नए F-16CD विमान उत्तरी पाकिस्तान में जैकोबाबाद के बाहर स्थित शहबाज एयरबेस पर तैनात हो सकते हैं और वे 39वें विंग के दायरों में आते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में कई F-16 विमान इस्लामाबाद के उत्तर पश्चिम में मिनहास, जिसे कामरा एयरबेस भी कहते हैं, वहां पर दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान के कई परमाणु हथियारों के लिए अलग अलग स्थान हैं जिनकी जानकारी लगातार सामने आ रही है और सैटेलाइट इन्हें कैप्चर भी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान रक्षा के क्षेत्र पर तेजी से काम कर रहा है जिसमें जमीन और समुद्र से लॉन्च करने वाली मिसाइलों पर भी काम किया जा रहा है। अब सैटेलाइट से जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है उससे पाकिस्तान जरूर चिंता में होगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।